सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत कर सकते हैं 75 जिलों की 75 खबरों से। बिजनौर में करंट लगने से युवक की मौत, पंखे को एक जगह से दूसरी जगह रख रहा था, करंट आने की चपेट में आया। हाथरस में राइस मिल में एडीएम ने मारा छापा, यूपी और हरियाणा की मुहर लगा, 24,000 बोरी सरकारी चावल बरामद। कानपुर में आयकर अफसर की मौत बन गई मिस्ट्री, शव का पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच नहीं कराने से शव में के मम्मी बनने का राज दफन। अमरोहा में सोते समय युवक की सिर पर वार कर हत्या, बहन के घर आया था, वारदात के समय बहनोई की खुली आंखें, हत्यारों से हाथापाई। इंटरनेशनल बंजारा गैंग, नया नाम D-142, मेरठ पुलिस ने किया रजिस्टर्ड। 19 अप्रैल को असम के एक एनकाउंटर में मारे गए दो भाई। बाइक में बहराइच में बाइक सवारों ने युवक को मारी गोली, सड़क पर पड़ा छटपटाता रहा, राहगीरों ने पहुंचाया अस्पताल। गोंडा में इटिया थोक में को मिलेगा नगर पंचायत का दर्जा, एडीएम व सिटी मजिस्ट्रेट ने लिया गांव का जायजा। झांसी में पूर्व सपा विधायक की जमानतें निरस्त कराएगी पुलिस, डीआईजी बोले, दीप नारायण यादव पर 40 मुकदमे। चंदौली में पंचायत सहायक से छेड़छाड़, विरोध पर जान से मारने की धमकी, पुलिस ने प्रधान के दो बेटों पर दर्ज की एफआईआर। रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या, मेरठ के घर के बाहर घूम रहे थे युवक की, पहले रेकी की फिर कनपटी पर लगाकर गोली मारी। फतेहपुर में गंगा और पांडू नदी का कटान जारी, किसानों की 200 बीघा फसल बर्बाद, एसडीएम ने लिया जायजा। सीतापुर में अर्जुन बनकर वसीम ने की युवती से शादी, भेद खुलने पर लड़के ने बनाया तलाक का दबाव, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में रामगंगा में डूबी 10 साल की बच्ची, मिट्टी खिसकने की वजह से नदी में गिरी, तेज बहाव में बह गई। अयोध्या में माता सीता के कुल देवी मंदिर में उमड़ा जनसैलाब, हुणों और मुगलों के आक्रमण कर मंदिर को दो बार किया था ध्वस्त। हरदोई में प्यार में धोखा मिलने पर युवती ने दे दी अपनी जान, सुसाइड नोट में लिखा, मेरे जिस्म से खेला, दिल भर गया था तो छोड़ दिया। सुल्तानपुर में मेडिकल स्टोर संचालक की गोली मारकर हत्या, दुकान से घर लौटते समय झोंका फायर, मुकदमा दर्ज, दो आरोपी गिरफ्तार। फिरोजाबाद में खुले नाले ढकने का प्रस्ताव को मंजूरी, शहरवासियों ने किया था सत्याग्रह और आंदोलन। सहारनपुर में टीचर स्टूडेंट की मौत बनी मिस्ट्री, टीचर स्टूडेंट मौत की जांच सीओ बहट को सौंपी गई, मृतक के परिजनों का आरोप अनर किलिंग। मुजफ्फरनगर में रंग बिरंगी रोशनी में नहाया वैष्णो देवी मंदिर, रात में शैलपुत्री की पूजा को उमड़े श्रद्धालु। बुलंदशहर में एनआईए एटीएस की छापेमारी, पीएफआई के वकील को लिया हिरासत में, बोले पिता बोले दीवार फांद कर घर में घुसे।
उन्नाव में गंगा का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में घुसा पानी 2 सेंटीमीटर और बड़ा गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 86 सेंटीमीटर दूर। हमीरपुर में आवारा पशुओं के कारण बड़े हादसे, नेशनल हाईवे पर बैठे रहते हैं आवारा पशु, डीएम के आदेश के बाद भी समाधान नहीं। महाराजागंज महोत्सव में लगेगी सितारों की भीड़, कुमार विश्वास की कविताएं, पंकज उदास के गजलों के साथ दिखेगा दम। फतेहपुर में चोरों ने एक रात में 3 घरों में लगाई सेंध, नकदी समेत लाखों के जेवर चोरी, पुलिस जांच की पड़ताल में जुटी। कासगंज थाने में 2 किसान गुटों में झड़प, लाठी डंडे से छत पर चढ़कर दीवार फांदकर भागे उपद्रवी। हमीरपुर में सड़क हादसे में एक ही गांव के 3 लड़कों की हुई मौत, दुर्गा पंडाल लगाने जा रहे थे। शिक्षक की पिटाई से दलित छात्रा की मौत, बवाल, रात में 6 घंटे तक हंगामा, सुबह पुलिस ने बंद कराई दुकानें, परिजनों का अंतिम संस्कार से इनकार। माता विंध्यवासिनी के दरबार में भक्तों का तांता, दूसरे दिन मां अपने भक्तों को ब्रह्मचारिणी रूप स्वरूप में देगी दर्शन। रोडवेज बस की टक्कर से युवक की मौत, लगाया जाम, मिठाई की दुकान पर हलवाई का करता था काम, मृतक। यूपी के 3 शहरों में एटीएस छापे, 16 को उठाया गाजियाबाद में बस टीम लेकर, एटीएस पीएफआई से जुड़े 12 संदिग्धों को पकड़ा। अलीगढ़ में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने भाजपा पर कसा तंज, कहा पूंजीवादी ताकतों और शिक्षा की दुर्दशा के खिलाफ है सरकार। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने रामलीला को भेजा शुभकामना पत्र, पत्र लिखकर रामलीला के मंचन और दशहरे के पर्व की बधाइयां। बदायूं में चोरों ने 2 दुकानों को बनाया निशाना, चोरों ने लाखों का सामान कर किया हाथ साफ। गाजीपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ लामबंद हुए 2 दर्जन जिला पंचायत सदस्य, विकास कार्यों को लेकर आक्रोशित है सदस्य। अलीगढ़ में गणेश प्रतिमा स्थापित करने वाली रूबी आसिफ ने घर में 9 दिनों के लिए स्थापित की दुर्गा प्रतिमा, कहा नहीं डरती किसी से या किसी फतवे से। गाजियाबाद में पत्नी अपनी पत्नी को मारी गोली, महिला की गोद से 2 साल का बच्चा है गायब, जांच में जुटी पुलिस। हमीरपुर में मृतक में कर रहे हैं मनरेगा मजदूरी, ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के आशीर्वाद से मृतक के खाते में पहुंच रहा है पैसा। लखनऊ में विकास दुबे के भाई की पत्नी का मकान जब्त, बिकरू कांड में कानपुर पुलिस ने की कार्रवाई। मैनपुरी में बीएलओ ने दी एसडीएम को धमकी, आरडीओ सोशल मीडिया पर वायरल, मामले में बीएलओ निलंबित। मथुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला साधु का शव, परिजनों ने जताया हत्या की आशंका। प्रयागराज में तमंचे के बल पर सरेआम लूट का वीडियो आया सामने, 3 बदमाशों ने बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में घटना को दिया अंजाम। रायबरेली पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लालगंज पुलिस ने चलाया चेकिंग,
अधीक्षक बोले बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने का प्रयास। श्रावस्ती में प्रेमिका ने प्रेमी संग लगाई छलांग, नदी में तलाशी के दौरान मिला मासूम बच्चे का शव। अलीगढ़ में दलितों के मरघट पर नगर निगम ने अवैध कब्जा कर ठोका ताला, दलितों ने किया विरोध प्रदर्शन। रायबरेली में ट्रांसफार्मर के फटने से 8 वर्षीय किशोरी गंभीर रूप से घायल, ट्रांसफार्मर फटने से गांव के लोगों में मचा हड़कंप। सुल्तानपुर में हिस्ट्री शीटर अपराधी जगनारायण की संपत्ति कुर्क, सरकारी संपत्ति पर किया गया था अवैध कब्जा। अलीगढ़ में जल्द बदलेगी गांधी पार्क, नगर आयुक्त ने पार्कों का किया निरीक्षण, ऐतिहासिक होगा गांधी पार्क। अमेठी में पुरानी रंजिश के चलते अवैध असलाह और हथियार लेकर पीड़िता के घर में घुसा युवक, परिजनों ने युवक को किया पुलिस के हवाले। बदायूं के खेत में मिला किशोर का शव, शव मिलने से जनता में आक्रोश, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में हरेन शर्मा हत्याकांड में पुलिस ने किया खुलासा, संपत्ति के लालच में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की थी पति की हत्या। चंदौली में तहसीलदार की दोबारा तैनाती से अधिवक्ताओं में आक्रोश, न्यायिक कार्य ठप करने का किया तहसील में प्रदर्शन। कानपुर में रहने वाले अपराधियों को नहीं पुलिस का खौफ, वसूली करने के लिए 20 सड़क बैठकर करते थे अवैध तमंचों का प्रदर्शन। चंदौली में अराजक तत्वों ने शिवलिंग की मूर्ति को किया खंडित, ग्रामीणों ने दिखाया आक्रोश, सूचना पर पहुंची पुलिस। लखीमपुर खीरी में रेलवे ट्रैक पर मिला महिला का शव, लोगों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। सहायक शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की पुलिस में से झड़प, शिक्षा मंत्री का आवास घेरने जा रहे थे, पुलिस ने जीपीओ के पास रोका तो भड़के। श्रावस्ती में स्कूल परिसर में जलभराव बना परेशानी का कारण, जल निकासी की व्यवस्था ना होने से भरा है बारिश का पानी। देर रात बिगेटी क्षेत्र में अचरमऊ में एनआईए और एटीएस की रेड, पीएफआई से जुड़े सदस्यों को लिया हिरासत में। ग्रेटर नोएडा में दबंगों का आतंक जारी, कार सवार दबंगों ने बीच रोड पर कार खड़ी कर छात्रों को बेरहमी से पीटा। वाराणसी में बीएचयू के मनोविज्ञान की शोध छात्रा की रसमयी स्थिति में मौत हो गई, मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। उन्नाव में आपस में भिड़े तेज रफ्तार बाइक हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मैनपुरी में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, बाइक तमंचा और 3 मोबाइल बरामद, राहगीरों को बनाते थे निशाना। मथुरा में भिड़े महिला और युवक, राम बारात के दौरान जमकर चले थप्पड़, महिला का आरोप युवक करता था अभद्र भाषा का इस्तेमाल। अगार में सिपाही पर पत्नी ने लगाया कुकर्म का आरोप, थाने में समझौते के बाद ले गया था घर, देवर और ससुर पर भी लगा आरोप।
मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी के धाम पहुंचे कलराज मिश्रा। राजस्थान की घटना पर कहा, एक पार्टी के अंदर की बात है, मेरी कोई भूमिका नहीं। सुल्तानपुर में एनआरएमयू का प्रदर्शन, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दिया धरना, सरकार को दिया अल्टीमेटम। हाथरस में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत, परिजन बोले डॉक्टरों की लापरवाही से जान गई, गुमराह करने के लिए किया रेफर। गर्भवती पत्नी को गोद में लेकर अस्पताल पहुंचा पति, कौशाम्बी से 30 मिनट तक नहीं मिला स्ट्रेचर। कॉमन में मरीज देखकर हैरान हुई नर्स। ललितपुर में सर्टिफिकेट के नाम पर मांगी जा रही है रिश्वत, सम समान के तहत किया गया प्रशिक्षण। चढ़ावे के लालच में युवक को दिला दी समाधि, उन्नाव में फूंकने से पुजारियों ने 7 फीट गहरे गड्ढे में बैठाया, पुलिस ने बचाई जान। जालौन में स्कूल न आने पर छात्र को डंडे से पीटा, प्रिंसिपल की पिटाई से पीठ पर चोट के निशान, एबीएसए ने जांच के लिए गठित की टीम। शामली में एटीएस की दबिश देखकर चारों को उठाया पूछताछ के में जुटे अधिकारी, 4 दिन पहले भी छापेमारी कर मौलाना को किया था गिरफ्तार। फतेहपुर में रिश्वतखोरी के 2 बड़े वीडियो वायरल, एक में सिपाही तो दूसरे में लेखपाल ले रहा था रुपए, अधिकारियों ने दिए जांच के आदेश। सुल्तानपुर में निमंत्रण पर गए युवक का तालाब में मिला शव, पुलिस बोली जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा मौत का कारण। सिद्धार्थनगर में डीएम ने परखे बेसिक शिक्षा विभाग के कार्य, बोले अधिकारी नियमित करें विद्यालयों का निरीक्षण। बलरामपुर में कटान प्रभावित चंदापुर बांध का विधायक ने लिया जायजा, राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ते ही शुरू हो जाता है कटान। फिलहाल 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।